प्रिय दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष और फटाफट आज के बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला दान को लेकर के तुला दान का मतलब क्या होता है तुला दान किन स्थितियों में किया जाता है तुला दान कैसे करना चाहिए किन सामग्रियों के साथ करना चाहिए इसी तमाम बिंदु पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा लेकिन इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप चाहें तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि उससे आपको भी इस अनुकूल जानकारी को प्रसारित करने का लाभ मिलेगा और और भी लोग इसको जान पाएंगे मैं पूर्ण यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूं दर्शकों सबसे पहले तुलादान की आवश्यकता क्यों पड़ती है तुलादान की स्थिति तब पड़ती है जब हमारे जन्मांक में हमारी जन्म कुंडली में कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिससे हमें बहुत कष्ट मिल रहा है विशेषकर शारीरिक कष्ट मिल रहा है मानसिक पीड़ा हमें मिल रही है या फिर ग्रह महादशा अंतरदशा में कोई ऐसा ग्रह है जिससे हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में कष्ट मिल रहा है हम इसको कैसे देखें आप स्वयं अपनी कुंडली निकाल कर देख सकते हैं वैसे तो जब व्यक्ति परेशान हो कष्ट में हो तो अनेक प्रकार के रोग करता अनेक प्रकार से अपने रोगों का निदान चाहता है और वैसे भी दुख में तो वैद ही प्यारा होता है दर दर व्यक्ति भटकता है समाधान नहीं मिलता लेकिन ज्योतिष आपको समाधान देता है और सौ प्रतिशत समाधान आपको देता है स्थिर समाधान आपको देता है इसलिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली में देखें आपके जन्मांक में जन्म कुंडली के अंदर यदि आपका ग्रह कोई भी लग्नेश खास करके यदि आपका कहीं नीच स्थान में है या फिर नीच होकर के बैठा हुआ है छियाट बारह में बैठ गया शत्रु से पीड़ित है शत्रु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है या शत्रु युक्त होकर के बैठा हुआ है वही स्थिति हम उसकी चंद्र कुंडली के अंदर भी देख लें सूर्य चंद्र कुंडली यानी हम सुदर्शन का सुदर्शन चक्र के अंदर उसको देखें अगर स्थिति प्रतिकूल है तो ऐसे में हमें तुला दान करना चाहिए तुला दान का असर बेहद जल्द ही आपको नजर आता है और पूर्ण रूप से आपको इसका फल मिलता है अब मैं बात करूंगा दान कैसे करना चाहिए इसमें एक अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण का आपको जो है साथ लेना चाहिए और बिल्कुल वेदोक्त विधि से आपको तुला के साथ में और उस उसमें सामग्री उसके वेट के हिसाब से आपको उसमें रखनी चाहिए क्या क्या सामान होना चाहिए सप्त तो धान्य इसमें हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन इसमें अधिक मात्रा में वह अन्न आप रखें जो किसी के प्रयोग में आ जाए गेहूं आप ज्यादा मात्रा में रख सकते हैं नमक और तेल काला कपड़ा यह आप इसमें रखना बिल्कुल ना भूलें एक लोहे की कोई भी वस्तु तो, इसमें आप जरूर रखें सात प्रकार के आप इसमें धान्य जरूर रखें और हां इतना ही नहीं नवग्रहों की दाल भी आप इसमें जरूर रखें ऐसे बहुत सारी चीजें फिर आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी दशा ज्यादा आपकी पीड़ित है किसके लिए आप करना चाह रहे हैं उससे संबंधित वस्तु आप इसमें जरूर रखें और पूर्ण विधान के साथ आप इसको करें तो सौ आपको इसका पूरा फल मिलेगा और बहुत जल्द आप इसका असर देखेंगे दर्शकों आप इस चर्चा को निश्चित रूप से शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिले बने हैं अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए धन्यवाद